हाय फ्रेंड्स मु सुशांत स्वागत करुँचे आपको ओडिया जीके जन यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आज आम +3 फास्टर हिस्टोरिक्स फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षापी हरप्पा सभ्यतार पतनर कारण दीर्घमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा, जहाँकि आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही फास्ट सेमेस्टर परीक्षापी परीक्षार आसवर आपंकर बहुत मात्र संभावना रही क्वेश्चन टी। तो फ्रेंड्स आम चैनल फास्ट सेमेस्टर परीक्षापी प्रायतः क्लास गुड़िक सरी जाए, एबे खाली आम चैनल सिलेक्टेड क्वेश्चन आलोचना होची फास्ट सेमेस्टर परीक्षापी। आपने जदि कौन से भी हिस्टोरिक्स क्लास देखी ना तेज डिस्क्रिप्शन को जाकि +3 फास्टर हिस्टोरिक्स प्लेलिस्ट देखिए आपने सब क्लास देखिपारे जोटी क्लास अच्छी। एवं आपने जदि आम टेलीग्राम चैनल जॉइन ना तेज टेलीग्राम चैनल जॉइन जातु, तार लिंक आपंकर डिस्क्रिप्शन अच्छी, जहाँद्वारा जो सब एजुकेशनल क्लासेस हम आम चैनल तार पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सेंड करें। तब जो साने आपर हिस्टोरिक्स क्लास करें से पाखु सेयर कर दिखाँ, जहाँद्वारा से इंपोर्टाट क्लास गुड़िक करें। तब चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिखाँ, जहाँद्वारा ये इंपोर्टाट हिस्टोरिक्स क्लास गुड़िक आपन पाखे सर्वदा पहुँची पार। तब चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स ये आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही फास्ट सेमेस्टर परीक्षापी, भलसे भिडियो को शेष पर्यटन देखिए। तो रही हरप्पा सभ्यतार पतनर कारण मान उल्लेख कर। आंसर हो हरप्पा सभ्यता थिला सुबृहत और मार्जित सभ्यता, मात्र एभली समृद्ध और चित्ताकर्षक सिंधु नगरीर पतन पर अनेक कारण मान दायी थिला। एहार पतन रे भिन्नता थिबार ऐतिहासिक माने मत प्रदान करती। ऐतिहासिक जोसेफ टॉयनबी सभ्यतार विभिन्न अवस्था संपर्क आलोचना करी कहचंती, सभ्यता जन्म निये, यार बुद्धि साधित हुए एवं यह विलुप्त हुए। यार पतन पर प्राकृतिक कारण दायी थिला। पृथ्वीर बड़ बड़ नदी उपत्यकार मानव सभ्यतार अभ्युदय घटिता। प्राचीन भारतर सिंधु नदी कूल भारतर सर्वप्राचीन नगर सभ्यता गढ़ी उठिता। 1922 मसीह भूखंडन द्वारा आविष्कृत होता एक महान सभ्यतार भग्नावशेष। वर्तमान पाकिस्तान अंतर्गत पश्चिम पंजाब रावी नदी वाम पार्श्व अवस्थित। मोंटेगमरी जिलार हरप्पा एवं यापर सिंधु सभ्यता सिंधु प्रदेश लारकान जिलार सिंधु नदीर दक्षिण पार्श्व अवस्थित मोहेंजोदारो ठारे सभ्यता सिंधु सभ्यतार आविष्कार कराइथिला। साजन मार्शाल, राखाल दास बानार्जी और दयाराम साहनी परी प्रत्नतत्वविद प्रचेष्टा जोगु यह संभव होई पारथिला। वैदिक सभ्यता ठारू यह बहु पुरातन एवं उन्नत सभ्यता थिला बोली ऐतिहासिक मानक पर्यालोचनार स्पष्ट होइथाय। नगर परिकल्पना, निष्कासन व्यवस्था, स्थापत्य, वाणिज्य, व्यवसाय एवं धर्म आदि क्षेत्र में यार स्वतंत्रता यह प्राचीन मिश्र और मेसोपोटामिया सभ्यतार समकक्ष हो पारथिला। यह सभ्यता हरप्पा बा सिंधु सभ्यता नाम परिचित। कालक्रमे सभ्यतार विकास घटी प्राय ख्रीष्टपूर्व 1500 बेलू यह सभ्यतार पतन घटिथार अनुमान कराए। टॉयनबी मतव्यक्त करती सभ्यता जन्म निये, यार बुद्धि साधित हुए एवं यह विलुप्त हुए। सेपरी भाव यह महान सभ्यता एक बृहत अंचल उपर विस्तार लाभ करथिला। भारतीय संस्कृति में यह सभ्यता अत्यंत गुरुत्व प्रदान करे। निम्नलिखित कारण मान जो यह सभ्यतार पतन घटिला। तब से सब कारण जो आपंकर हरप्पा सभ्यतार पतन घटिला, गोटे हूँ प्राकृतिक क्षय, दैव दुर्विपाक, वैदेशिक आक्रमण, भूचलन, नागरिक जीवनर पतन इत्यादि। फास्ट देखिए आम प्राकृतिक अवक्षय। यार कारण संपर्क में सार्जन मार्शाल मतव्यक्त करती, जनवसतिर अग्रगति, आवश्यकता जालेणी और कृषिपी जंगल नष्ट कराला, फल जमी अनुर्वर होगा संगे संगे नदीकूल पोती होगला। बन्या, मरुड़ी, दुर्भिक्षर प्रपीड़ित हेले सिंधुवासी, लोथाल और मोहेंजोदारो अंचलवासी माने। सिंधु नदी में बारंबार बन्या जो से अंचल परित्याग कले। अन्य पक्षे कालीबांगान नदी शुष्क होगा जो सेठार आदिवासी मैंने स्थान त्याग कर अन्य स्थान को चलीगले। सिंधु और रावी नदी गतिपथ परिवर्तन कर मरुभूमि पलटिगला, फल कृषि, वाणिज्य एवं शासन व्यवसाय अवक्षय है। नेक्स्ट आसी दैव दुर्विपाक। भौगोलिक दृष्टि हरप्पा अंचल चीर बलय अवस्थित था। बारंबार भूचलन फल स्तर गुड़िक फाट सृष्टि हो गढ़ी उठी अट्टालिका को भुशुड़ाई देला। यही जो सभ्यतार विलुप्त घटिला। वैदेशिक आक्रमण। बर्बर कासाइट माने भारतर पार्वत्य अंचल आसी बाबिलोनिय साम्राज्य पराभूत करथिले। एमानंको आक्रमण जोगु मोहनजोदारो दुर्ग रक्षा करा जाई पारि नथिला। एठारे बसवास करुवा बयोज्येष्ठ व्यक्ति माने निजर पुरातन संस्कृति को ग्रहण करने को आगंतुकों को बाध्य करिपारिले नाही। तेणु सेमाने पलायन कले। बर्बर कासाइट मानकर सामरिक क्षमता घोड़ार व्यवहार और उत्कृष्ट धरणर अस्त्र द्वारा सिंधु नगरवासी को पराजित करथिले। आज मैंने हरप्पा अधिवासी को परास्त करथिले। हुईलर दृढ़तार सह कहते आज मैंने ही यही आदिवासी मान को संपूर्ण रूपे ध्वंस करथिले। जलपथ और अन्य स्थानर कबर दिया न जाई पड़िथिबा असंख्य कंकाल को विश्लेषण करी एवं से ही जंगल देहर तीक्ष्ण अस्त्र दाग को अनुधान कर से मत प्रदान कर। भूचलन प्राकृतिक अवक्षय घटवा जो हरप्पा सभ्यतार पतन घटला। ऐतिहासिक सार जन मार्शाल भाषा कृषि और जालपाई जंगल कटागला एवं प्राकृतिक संपद को लुंठन करागला। यह फल माटी अनुर्वर है और नदीकूल पति गला। बनिया मरुड़ी दुर्भिक्षर पड़ी हरप्पावासी से स्थान परित्याग कले। बारंबार बन्या और शुष्कता जो लोथाल और मोहनजोदारो आदिवासी से अंचल परित्याग कले। पुनश्च रावी और सिंधु नदीर गतिपथ परिवर्तन करिथिबारु से अंचल मरुभूमि पाल्टी जाइथिबा अनुमान कराजाए। शेष पॉइंट आछी नागरिक जीवनर पतन। केतक पंडित अनुभव करंती जे अग्रणी हरप्पा सभ्यतार लोकमानक नागरिक जीवन मध्य क्षयप्राप्त होइथिला। उदाहरण स्वरूप नूतन योजन गढ़ा जा नगर गुड़िक बलपूर्वक दखल द्वारा बस्ती परिणत होगला। एपरिक प्रधान अट्टालिका गुड़िक बलपूर्वक दखल बाद पड़ न। मोहनजोदारो बृहत स्नानागार हरप्पा शस्यागार प्रभृति प्रसिद्ध स्थान गुड़िक प्रवेश पथ बंद होगला। फल से गुड़िक व्यवहृत हो पारा ना। खनन जनाजाए जे गृह गुड़िक नाली मध्य को माड़ जाता और नर्दमा गुड़िक पूर्वपरी कार्य करुला। शेष लोक मैंने बाध्य स्थान त्याग करते किंतु हरप्पा सभ्यता हठात ध्वंस पाई नथिला। नागरिक जीवनर पतन थिला अन्य एक कारण। प्रत्नतात्विक प्रमाण जनाजाए जे आस्ते आस्ते क्रमिक गतिर सभ्यतार पतन घटी। 1900 ख्रीष्टपूर्व प्राय 600 वर्ष मध्य हरप्पा सभ्यतार पतन घटी। से आपंकर मोस्ट इंपोर्टां सिलेक्टेड क्वेश्चन फास्ट सेमिस्टर परीक्षा पे। आपंकर फास्ट सेमिस्टर परीक्षा रे बहुत संभावना रही है क्वेश्चन आसो। तो क्वेश्चन टी भलसे नोट कर लिखिदेवे। आशा करूँ भिडियो आप भल लगे। तेज भिडियो गोटे लाइक और सांगान सहित सेयार करदे जहाँद्वारा आपंकर जो सांगान हिस्टोरिक्स क्लास करें सेपारे। तो फ्रेंड्स यही इंपोर्टां हिस्टोरिक्स क्लास कॉम्पिटिटिव जीके क्वेश्चन गुरुत्वपूर्ण एजुकेशनल न्यूज अपडेट एवं +3 फास्ट जेनेरिक इलेक्ट्रिक पॉलिटिकल साइंस क्लास एवं ईवीएस क्लास करने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो टेट रखा। धन्यवाद।